स्टूडेंट्स हाउ आर यू? आई होप ऑल आर यू फाइन. टुडे वी रीड चैप्टर नंबर 22 एंड चैप्टर नेम इज फूड एंड डाइजेशन. का चैप्टर का नाम है भोजन और उसको पचाना. पाचन शक्ति जो हमारी होती है, पचाना, उसको हम कैसे डाइजेस्ट करते हैं फूड को. व्हाई डू वी नीड फूड? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें फूड की नीड क्यों होती है, खाना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है. मशीन्स नीड एनर्जी टू वर्क. बेटा आप सभी को पता है मशीन्स को एनर्जी की ज़रूरत होती है काम करने के लिए. कार्स फॉर एग्जांपल रन ऑन फ्यूल लाइक पेट्रोल एंड डीजल. जैसे कि कार है एक एग्जांपल देखो आप, वो कैसे चलने के लिए उसको पेट्रोल या डीजल की ज़रूरत होती है, ठीक है, तभी तो वो दौड़ती है. द ह्यूमन बॉडी इज़ जस्ट लाइक अ मशीन. जो हमारा मानव का शरीर है वो भी क्या है, एक मशीन की तरह है. वी नीड एनर्जी टू वर्क. इसको चलाने के लिए हमें, काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है. स्टडी एंड प्ले, ऐसे ही पढ़ने के लिए और खेलने के लिए, इन सब कामों के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है बेटा, एनर्जी की ज़रूरत होती है. वी गेट आवर एनर्जी फ्रॉम फूड. और हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है, हमारी खाने से. जो हम खाना खाते हैं उससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी. फूड परफॉर्म्स मैनी इंपॉर्टेंट फंक्शंस. फूड जो परफॉर्म है वो बहुत सारे मैनी इंपॉर्टेंट फंक्शंस, बहुत सारे फंक्शंस को ये इंपॉर्टेंट होता है, परफॉर्म करता है. इट फर्स्ट इज इट गिव अस एनर्जी. सबसे पहला जो इसका काम है वो क्या है, ये हमें एनर्जी देता है. सेकंड हेल्प अस टू ग्रो, हमें बढ़ने में हेल्प करता है. रिपेयर्स डैमेज बॉडी पार्ट्स. हमारे जो बॉडी पार्ट्स है, जैसे कभी हमें चोट लग जाती है या, ठीक है, या डैमेज हो जाता है कोई भी पार्ट, तो उसको रिपेयर करने का काम कौन करता है, फूड. मेक आवर बोन्स एंड मसल स्ट्रॉन्ग. और हमारी हड्डियों और मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग करने का काम कौन करता है, फूड. कीप अस फिट एंड हेल्दी. और हमें फिट और हेल्दी रखने का काम भी कौन करता है, फूड. कंपोनेंट्स ऑफ फूड. आवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज. जो हमारी फूड के कंपोनेंट्स हैं जिनसे हमें पोषक तत्व मिलते हैं, वो उसमें क्या क्या इंक्लूड हैं. फर्स्ट कंपोनेंट इज कार्बोहाइड्रेट्स, सेकंड इज प्रोटीन्स, थर्ड इज फैट्स एंड फोर्थ इज विटामिन्स एंड मिनरल्स. यू कैन सी द पिक्चर. डिफरेंट फूड आइटम्स, इसमें अलग अलग प्रकार के डिफरेंट टाइप के फूड आइटम्स हैं. नेक्स्ट इज बैलेंस्ड डाइट. द फूड वी ईट डेली इज कॉल्ड आवर डाइट. जो खाना हम डेली हम खाते हैं बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं, डाइट. फॉर गुड हेल्थ एंड प्रॉपर ग्रोथ. अच्छे शरीर स्वास्थ्य के लिए और प्रॉपर ग्रोथ के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव अ बैलेंस्ड डाइट. ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम क्या लें, बैलेंस्ड डाइट लें डेली, ठीक है, अच्छा खाना हम खाएं, हेल्दी खाना. अ डाइट दैट कंटेन्स द राइट अमाउंट्स ऑफ ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड रफेज इज नॉन एज बैलेंस्ड डाइट. ऐसी डाइट जिसमें कि राइट अमाउंट, हर एक जो पर्याप्त मात्रा में, बैलेंस मात्रा में अमाउंट ऑफ द ऑल नेसेसरी, जितने भी ज़रूरी तत्व जो होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, न्यूट्रिशन, पोषक तत्व, वाटर, पानी एंड रफेज, जिसको हम चारा भी बोलते हैं, इज़ नॉन एज बैलेंस्ड डाइट. उसको हम किस रूप में जानते हैं बेटा, बैलेंस डाइट के रूप में. नेक्स्ट इज डाइजेशन. द फूड दैट वी हैव कैन नॉट बी एब्जॉर्ब डायरेक्टली बाय द ब्लड. जो फूड है जिसे हम डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते डायरेक्टली ब्लड से, इट नीड्स टू बी डाइजेस्टेड, ठीक है. इसको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, डाइजेशन की ज़रूरत होती है, डाइजेस्ट होने की ज़रूरत होती है. डाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच द कॉम्प्लेक्स फूड वी ईट इज ब्रोकन डाउन इंटू सिंपल सोल्यूबल सब्सटेंसेस विच आवर बॉडी इज एबल टू यूज. दीज सिंपल सोल्यूबल सब्सटेंसेस कैन बी एब्जॉर्ब बाय द ब्लड. देखो डायरेक्टली ये नहीं है कि खाना हमारे खून में पहुंच जाता है, ठीक है ना, और हम उसको खाने को, भोजन को क्या कर लेते हैं, एनर्जी के रूप में ले लेते हैं, ऐसा नहीं होता. इसको डाइजेशन होने की ज़रूरत होती है. और डाइजेशन क्या होता है बेटा, एक प्रोसेस होता है जिसमें कि जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है, वी इट इज़ ब्रोकन डाउन, उसके टुकड़े टुकड़े होते हैं, टूटता है वो, सिंपल होता है इंटू सिंपल सोल्यूबल सब्सटेंसेस के रूप में,
विच जिससे कि हमारी बॉडी आवर बॉडी इज एबल टू यूज उसको यूज कर सके. और दिस सिंपल सोल्यूबल सब्सटेंसेस जो ये सिंपल सोल्यूबल सब्सटेंसेस जो होते हैं उसको कैन बी अब्जॉर्व बाय द ब्लड जो कि ब्लड से आसानी से ब्लड के आसानी से उसको ले सके. फिल इन द ब्लैंक्स द फूड वी ईट डेली इज कॉल्ड जो खाना हम डेली खाते हैं उसको क्या बोलते हैं डाइट DIET डाइट. डैश इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल वंस दैट इज डाइजेशन. व्हाट हैपन्स टू द फूड क्या होता है देखो खाने के साथ. फिर फर्स्ट है इनसाइड द माउथ. सबसे पहले हम कहाँ खाना कहाँ डालते हैं खाना खाते हैं जब हम माउथ के थ्रू मुंह के द्वारा. व्हेन वी टेक फूड आवर शार्प बाइटिंग टीथ इन द फ्रंट कट व्हाइल आवर फ्लैट ग्राइंडिंग टीथ एट द बैक ग्राइंड इट. सबसे पहले हम खाना कहाँ लेते हैं हमारे शार्प जो हमारे तेज नुकीले बाइटिंग और तोड़ने वाले जो दांत होते हैं फ्रंट में इसको कट करते हैं. वेल जबकि आवर फ्लैट ग्राइंडिंग टीथ जो हमारे ग्राइंड करने वाले टीथ होते हैं एट द बैक ग्राउंड बैक ग्राइंड इसको बैक में ले जाके इसको ग्राइंड करने का काम करते हैं. अ डाइजेस्टिव जूस कॉल्ड स्लाइवा मिक्स विद द फूड जो पकाने जो डाइजेस्ट करने के लिए जूस होता है लार जिसको हम बोलते हैं कॉल्ड स्लाइवा इसको स्लाइवा मिक्स विद द फूड खाने को जो भोजन जो हमारा खाना होता है मिक्स विद द फूड वो फूड के साथ मिक्स हो जाता है स्लाइवा. इट कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू शुगर और ये स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है इनटू शुगर शुगर में. हैंस द फूड टेस्ट स्वीट जिससे कि फूड का जो टेस्ट होता है वो कैसा हो जाता है मीठा हो जाता है. फ्रॉम द माउथ मुँह से द फूड गोज इनटू स्टमक थ्रू द फूड पाइप ठीक है खाने की नली से और ये जो सारा खाना होता है फिर वो कहाँ चला जाता है मुँह से स्टमक में पेट में. नेक्स्ट इज इनसाइड द स्टमक पेट के अंदर. आवर स्टमक इज लाइक अ बैग ऑफ मसल्स हमारा पेट किसकी तरह है बेटा एक बैग की तरह है मसल्स का जैसे बैग होता है ठीक है. हेयर द फूड इज चर्न्ड एंड मिक्सड विद सेवरल डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस्ड बाय वॉल्स ऑफ स्टमक यहाँ पर जाकर खाना क्या हो जाता है चर्न हो जाता है और मिक्स हो जाता है छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में होकर फिर मिक्स हो जाता है किसमें सेवरल डाइजेस्टिव जूसेस के साथ कुछ डाइजेस्टिव जो पोषक जो जूस होते हैं उनके साथ. और ये कहाँ से होते हैं वॉल्स ऑफ द स्टमक जो कि अंदर पेट के अंदर की दीवारों से आते हैं. दीज जूसेस फर्दर ब्रेक द फूड ये जो होती हैं जूसेस जो होते हैं इनका काम क्या होता है पहले खाने को तोड़ना. थर्ड इज इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन अंदर क्या होता है फ्रॉम द स्टमक पेट में द फूड इज पुश्ड इनटू अ लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन. फ्रॉम द स्टमक पेट के अंदर जाके जो खाना होता है पुश उसमें इनटू ए कहाँ चला जाता है इनटू अ लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड स्मॉल जिसको हम क्या बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत. मोर डाइजेस्टिव जूसेस फ्रॉम द लीवर एंड द पैनक्रीज आर एडिड हियर और भी अन्य जो जूसेस होते हैं और जो लीवर ठीक है एंड द पैनक्रीज आर एडिड हियर यहाँ पर और भी जो होते हैं ऐड हो जाते हैं इसके अंदर. दीज जूसेस मिक्स विद द फूड एंड कन्वर्ट इट इनटू सिंपल सोल्यूबल सब्सटेंसेस ये जो जूसेस होते हैं मिक्स होके खाने को इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं इनटू स्मॉल सोल्यूबल छोटे छोटे टुकड़ों में सोल्यूबल जो कि घुलनशील जिसको हम बोल सकते हैं हिंदी में जो सोल्यूबल होता है सब्सटेंसेस के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं. द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज कम्प्लीटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन जो पूरा प्रोसेस होता है डाइजेशन का वो कम्प्लीटेड कहाँ पर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. रिमेनिंग लेसन We will read tomorrow. I hope you understand the process of food digestion. You can see the picture. ठीक है ये डायग्राम हम कल अच्छी तरह से पढ़ेंगे ब्रीफली इसको एक्सप्लेन किया जाएगा ताकि आपको पता चले कि खाना कैसे डाइजेस्ट होता है माउथ से लेके और माउथ पाइप से लेके इंटेस्टाइन पे वो कैसे जाता है और कैसे उसको ठीक है धीरे धीरे फिर जो स्टमक का काम होता है इंटेस्टाइन का अंदर का काम होता है डाइजेशन करने का. ओके एंड हैव अ नाइस डे.